नमस्कार, न्यूज नेशन पर आप देख रहे हैं ओकिनावा प्रेजेंट्स हिंदुस्तान का सपना वर्ल्ड कप अपना इन एसोसिएशन विद प्रिंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल, मेरे साथ है अंकिता और मेरे चेहरे की स्माइल आपको बता रही होगी कि ये स्माइल फेक है। ये स्माइल फेक इसलिए है क्योंकि तनाव इतना ज्यादा है ना, समझ नहीं आ रहा है कि अभी कौन जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, न्यूजीलैंड जीतेगा। इतना जबरदस्त मुकाबला अंकिता, वर्ल्ड कप का रोमांच आ गया। बिल्कुल कमाल की, देखिए हर ओवर बल्लेबाजी गेंदबाजी और यही होता है अखिल, मैच का रोमांच, यही हम क्रिकेट पसंद करते हैं, जहां पर रोमांच ना हो वहां मजा नहीं आता। और कमाल की बल्लेबाजी न्यूजीलैंड की ओर से देखने को मिली, कमाल की बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखने को मिली। 384 का यहां पर 89 का जो है स्कोर था और कमाल की जीत हुई है ऑस्ट्रेलिया की। देखिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच ये मुकाबला जो है वो चल रहा था धर्मशाला में और यहां पर बड़ी जीत कह लीजिए, बड़ी जीत तो नहीं कहूंगी क्योंकि जिस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम ने डिफेंड किया है ना, मतलब अगर आज रन चेज हो जाते ये और तस्वीर कुछ अलग होती तो वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार ऐसा होता कि इतना बड़ा रन चेज कोई टीम कर पाती। लेकिन ताप देनी होगी न्यूजीलैंड की भी, 389 रन के पास टारगेट था। क्या कमाल की बल्लेबाजी की न्यूजीलैंड ने, 5 रन से आखिरी समय में, आखिरी ओवर में 5 रन से मिचेल स्टार्क ने अपनी ऑस्ट्रेलिया को मैच जिता दिया है। बड़ा ही कमाल का स्पेल मिचेल स्टार्क का भी मैं कहूंगा, तारीफ करनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया की ग्राउंड फील्डिंग की। डेथ ओवर्स में जिस तरीके की उन्होंने बाउंड्री पर चौके अपनी टीम के लिए रोके हैं, सेव किए हैं, बड़ी काबिले तारीफ उनकी फील्डिंग रही। मैं रुकना चाहूंगी आपको क्योंकि वो जो छक्का लगा था ना उसके बाद ये लग रहा था कि मैच जो है वो न्यूजीलैंड के पास चला जाएगा, लेकिन लास्ट के आपने कहा ना डेथ ओवर्स में जो चौका बचाया, दो रन बचाए, निशम आउट हो गए तो शायद वहीं से उम्मीद जो थी वो कम हो गई, जहां पर 7 रन थे और 2 बॉल पे चाहिए थे तो ये कारनामा हो सकता था, बहुत आराम से हो सकता था अगर मिचेल स्टार्क होते, मिचेल जिमी निशम होते क्योंकि वो रनआउट हुए। लेकिन आखिरी ओवर में चाहिए थे 6 गेंदों पे 18 रन। इस वर्ल्ड कप का अंकिता सबसे रोमांचक मुकाबला डेफिनेटली, क्योंकि मैं कहूंगी यहाँ पर भारत और न्यूजीलैंड का भी नहीं था, वो तो इसलिए भी था ना कि भैया 20 साल बाद अगर हम जीत मिल रही है तो वो थी, लेकिन आज का मुकाबला रोमांचक था। 2 बॉल 7 रन थे, फिर भी ये लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम जीत सकती है, लेकिन यहाँ दाद देनी होगी ऑस्ट्रेलियाई टीम के, जो कि अपने 3 मैच हार के जो लगातार मैच जीती है और पॉइंट्स टेबल पे अपनी जो बढ़त बनाई है वो कमाल की, और यही होती है कंगारुओं की टीम। हम लगातार स्टार्टिंग में भी बोल रहे थे कि कुछ कमाल नहीं कर पा रही है कुछ कमाल, लेकिन यहाँ पर ट्रेविस हेड की तारीफ करनी होगी। आज डेब्यू मैच खेला उन्होंने और मतलब 109 रन की पारी खेली है, कमाल की बल्लेबाजी की है, इंजरी लगी नहीं रहा था कि इंजरी के बाद इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं। जी हाँ, पहले बल्लेबाजी की थी ऑस्ट्रेलिया ने, ऑल आउट हुई, पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाए। अगर पूरे 50 ओवर खेलते तो आप मान के चलिए कि स्कोर बोर्ड पर 400 रन तो तय थे। लेकिन जैसा अंकिता ने भी कहा कि वर्ल्ड कप का अपना पहला मैच था हेड का, बिल्कुल नहीं लगा उनकी बल्लेबाजी देखकर कि ये खिलाड़ी इंजरी के साथ वापस लौटा है। 109 रनों की पारी 67 गेंदों में और डेविड वार्नर, इनके तो क्या ही कहने, पिछले 2 मैचों में लगातार 2 शतक लगाए थे, आज भी कमाल की पारी खेली, शतक पूरा नहीं कर पाए, मलाल रहेगा, लेकिन 65 गेंद 81 रन और बिल्कुल देखिए लगभग 390 रनों का टारगेट था न्यूजीलैंड के सामने। लेकिन जिस तरीके से न्यूजीलैंड को स्टार्ट मिला, तारीफ करनी पड़ेगी अंकिता जिमी निशम की, एक फाइटिंग नॉक उनके बल्ले से निकला। लेकिन रचिन रविंद्र 23 साल का खिलाड़ी यार अंकिता, हर बार देखिए इनको अकेले, अगर मैं गलत ना हूं तो बॉलिंग ऑलराउंडर कह लीजिए, बॉलिंग ऑलराउंडर ही कह लीजिए ना, क्योंकि बैटिंग क्या कमाल कर रही हो, हर बार इन्होंने चाहे वो पहला मुकाबला हो चाहे वो हर एक मैच में इन्होंने अच्छी नॉक खेली और आज भी इन्होंने दिल खुश किया है। 116 की पारी खेली लेकिन लग नहीं रहा था कि अगर शायद यहाँ पर रचिन रविंद्र थोड़ी देर के लिए टिक जाते और वो 41वें ओवर में रचिन रविंद्र आउट हुए थे, उसके बाद भी मैच फंसा हुआ था, लग नहीं रहा था कि न्यूजीलैंड इतने करीब मैच को लेकर जाएगा। इतनी अच्छी फाइट न्यूजीलैंड ने दिखाई, उसके लिए वाकई में उनको सैल्यूट है। लेकिन जिमी निशम, एक फाइटिंग नॉक उस खिलाड़ी के बल्ले से देखने को मिली है। हमेशा हम देखते हैं कि ट्रोल किया जाता है जिमी निशम को कि अच्छी फील्डिंग नहीं करते, अच्छी बॉलिंग नहीं करते, आज हुआ भी ऐसा ही, फील्डिंग उनकी ठीक ठाक रही, बॉलिंग बहुत ही खराब रही। 2 ओवर में 32 रन खर्च किए, 16 की इकोनॉमी थी, 1 विकेट मिला, मतलब इनकी बॉलिंग पे पैट कमिंस ने छक्के लगाए अंकिता, इतनी खराब इनकी बॉलिंग थी। लेकिन वो सारी कसर पूरी कर दी बैटिंग से, 39 गेंदे 58 रन, टीम को मैच नहीं जिता पाए, वो दुख उनके जरूर पहुंचा होगा। लेकिन जो पारी उन्होंने खेली है वो न्यूजीलैंड को एक सेफ साइड भी पहुंचाती है, क्योंकि टीम अच्छा कर रही है वर्ल्ड कप में, और साथ ही जब उनका लोअर ऑर्डर भी अच्छा करने लगेगा तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार हम धीरे धीरे जब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे, हमारे पास एक प्लस पॉइंट है कि हमारे फिनिशर्स भी हैं जो लय में हैं। बिल्कुल, और वो अखिल हम यही बात कर रहे थे लगातार कि कहीं ना कहीं आज अगर हम बात करें दोनों टीमों की तो कमाल की गेंदबाजी बल्लेबाजी देखने को मिली। 390 का स्कोर जो था वो मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलियाई टीम को लग रहा था कि इतनी आसानी से नहीं जीत पाएंगे,
अगर बात मान के चलते रहते, हमने मिड इनिंग में भी बात की थी मैंने और लक्ष्य ने, के शायद थोड़ी बहुत फाइट देखने को मिले, लेकिन इतना क्लोज ये मुकाबला जाएगा, आप 5 रन से मुकाबला जीतोगे 388 रन बोर्ड पर लगाने के बाद, तो आप बस कह लीजिए कि आज का जो आज के जो मैदान की जो महफिल है वो बल्लेबाजों ने लूटी है। गेंदबाज इस मैच को बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहेंगे, लेकिन बल्लेबाज चाहे ऑस्ट्रेलिया के हो चाहे न्यूजीलैंड के हो, आज मजा आया क्रिकेट फैंस को। बिल्कुल, यहाँ पर वार्नर की कमाल की, हर बार तो वार्नर अपनी क्लास दिखाते हैं और आज भी 81 रन की जो पारी खेली है वो कमाल के। और बात करें ट्रेविस हेड की, जो कि भाई अपना पहला डेब्यू मैच उन्होंने वर्ल्ड कप का किया था, और क्या डेब्यू हुआ, ऐसा डेब्यू सबका होना चाहिए कि शतक निकले उनके बल्ले से। और नाखुश नहीं क्या उन अपनी, अगर ओपनिंग की बात करें अखिल, तो उन्होंने टीम के लिए भी एक, हम कहते हैं ना कि प्लस पॉइंट है कि भाई हमारा जो ओपनर, क्योंकि वार्नर ही चलते थे, उसके अलावा अगर हम बात करें ओपनिंग साझेदारी उस तरीके से हुई नहीं थी। पिछला मुकाबला चलिए मिचेल मार्श जो थे वो वहां पर अच्छी बल्लेबाजी उनकी ओर से हुई थी, लेकिन आज मतलब यहां पर ट्रेविस आके तो तूफान मचा दिया उन्होंने और आगाह कर दिया है। अब साहब ट्रेविस हेड आ गए हैं और बाकी टीम से अलावा उन्होंने स्टीव स्मिथ को भी आगाह कर दिया है, क्योंकि अब उनके प्लेइंग 11 में खेलने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, क्योंकि स्टीव स्मिथ कहने को बहुत बड़ा नाम हो लेकिन इस वर्ल्ड कप में वो खिलाड़ी स्ट्रगल कर रहा है, और जब ट्रेविस हेड आ चुके हैं और तूफान के साथ आए हैं, धमाकेदार उन्होंने शतक लगाया 59 गेंदों पर, ओवरऑल 109 रनों की उन्होंने पारी खेली, तो अब मिडिल ऑर्डर में ऑस्ट्रेलिया के लिए आने वाले समय में शायद हम स्टीव स्मिथ को ना भी देखें, शायद कैमरन ग्रीन को एक बैलेंस बनाने के लिए पैट कमिंस उनको लेकर आए। लेकिन अगर बात करें मैच की, तो आखिरी 6 गेंदों पर दरकार थी 19 रनों की। जिमी निशम बैटिंग कर रहे थे, 50 लगा चुके थे, दूसरे छोर पर थे ट्रेंट बोल्ट जो कि अच्छा खासा बल्ला चला रहे थे, एक छक्का उन्होंने लगाया भी था, और गेंदबाजी पर थे एवरग्रीन मिचेल स्टार्क। पहली बॉल पे क्या हुआ, सिंगल आया, एक डायरेक्ट हिट लगी, अपील हुई कि रन आउट के लिए अपील की जाए ट्रेंट बोल्ट की, बच गए ट्रेंट बोल्ट, लेकिन दूसरी बॉल अंकिता वाइड भी हुई और चौका भी मिल गया। तो यही से तो मैच ये हुआ कि भाई अब हम कहते हैं ना कगार पर आ गया था, यही से मैच जो था वो ये लग रहा था कि ये मैच जो है वो न्यूजीलैंड के खेमे में जाएगा, लेकिन निशम आउट हो गए, रन आउट हुए, उसके बाद फिर दो बॉल पे यहाँ पर 7 रन की दरकार थी, शायद अगर छक्का जाता फिर 1 रन लेते तो ये मैच जीत सकते थे, टाई भी अगर हम कहें कि टाई भी हो सकता था, लेकिन वही कहते हैं ना कि मैच जो है यही रोमांचक होता है, और हर कोई, हर क्रिकेट फैन यही चाहता है कि रोमांचक मुकाबला हो, एक तरफा हर कोई नहीं चाहता है, एक तरफा बस भारत का होता है तो मेरे दिल पे ऐसा होता है इंडिया जीत जाए, बस एक तरफा मुकाबला, लेकिन ये ऐसी टीम है दोनों टीमें। अखिल हमने बात की थी कि स्टार्टिंग में 7वें-8वें नंबर पर थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, 9वें नंबर पर भी, 9वें नंबर पर भी थी। एक मीम बड़ा वायरल हुआ था इंस्टाग्राम पे नीदरलैंड्स के साथ, मतलब ऑस्ट्रेलिया के साथ तुलना की जा रही थी कि ऑस्ट्रेलिया इतना नीचे कैसे गिर सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया और लगातार 3 मैच जीत लिया, दिखा दिया है कि ये टीम 5 पर की वर्ल्ड चैंपियन है, इनको आप हल्के में नहीं ले सकते। बिल्कुल अखिल, और एडन जैम्पा जो कि पिछले मुकाबले में भी इंप्रेस किया था और आज के मैच में भी इंप्रेस किया था, 3 विकेट अपने नाम किए, और ट्रेंट बोल्ट की भी तारीफ करनी चाहिए, भले न्यूजीलैंड की टीम मतलब मुकाबला हार गई हो, लेकिन ट्रेंट बोल्ट कमाल के फॉर्म में नजर आ रहे हैं, और मैं कहूंगी कि न्यूजीलैंड के सारे बल्लेबाज या फिर गेंदबाज हर एक की फॉर्म नजर आ रही है। ग्लेन फिलिप्स भी कमाल फॉर्म में है, अच्छी फॉर्म उन्होंने बल्ले गेंद से दिखाई, बल्ले से भले ही फिनिश नहीं कर पाए लेकिन 3 विकेट उन्होंने क्रूशियल स्टेज पे लिए, अगर वो 3 विकेट फ्लिप के खाते में ना आते तो देख लीजिए वार्नर कितना तहलका मचाते, स्मिथ की बल्लेबाजी देखने को मिल सकती थी, और 109 रन तो ऑलरेडी ट्रेविस हेड बना चुके थे, शायद इसको 150 में भी कन्वर्ट करते, क्योंकि एक बार जब हेड शतक लगाते हैं ना, लंबा शतक लगाते हैं। खैर अब ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर की तरफ बढ़ा जाए, बिल्कुल, क्योंकि ओकिनावा की स्कूटी हर एक अलग कलर में आती है और माइलेज भी अच्छा देती है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, तो बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच कौन यहाँ पर होगा आपके हिसाब से, क्या लगता है खेल? मुश्किल सवाल पूछा है आपने, ट्रेविस हेड मुझे लगता है लेकिन होंगे, है ना, ओकिनावा मुझे भी लगता पूरे है मैच में इतने सारे प्लेयर्स के अच्छे परफॉर्मेंस आए हैं, सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन वही है ना कि डेब्यू मैच और इंजरी के बाद वो आए और एक अच्छा खासा स्कोर उनके बैट से देखने को मिला। तो देखिये यहाँ पर ओकिनावा हर एक अलग अलग कलर में आते स्कूटी, और देखिये यहाँ पर ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच ग्लेन फिलिप्स, ये तो दोनों ही गलत साबित हो गए, लेकिन ग्लेन फिलिप्स ने कमाल की यहाँ पर देखिये गेंदबाजी इनकी ओर से देखने को मिली और 10 ओवर 37 रन दिया उन्होंने और 3 विकेट हासिल किए, तो और तीनों बड़े विकेट, अपने डेविड वार्नर को आउट किया, उसके बाद ट्रेविस हेड को आउट किया, बोल्ड किया, उसके बाद फिर रन आउट किया स्टीवन स्मिथ को, यानी कि तीनों बड़े विकेट इनके खाते में आए, और शुरुआती 3 विकेट भी कंगारुओं के यही थे। यहां से न्यूजीलैंड बहुत मुश्किल से कमबैक किया, मिडिल ओवर में न्यूजीलैंड ने बड़ी कमाल की, कसी हुई गेंदबाजी की, उसमें श्रेय जाता है ग्लेन फिलिप को भी,
बचकर निकल गए आसानी से, जहां पर अन्य गेंदबाजों की ना जमकर पिटाई हुई, कुटाई हुई। ग्लेन फिलिप अकेले थे, 3 विकेट भी लिए, इकोनॉमिकल भी रहे और न्यूजीलैंड के लिए किफायती गेंदबाजी भी की। बिल्कुल किफायती गेंदबाजी भी हुई। और अखिल क्या लगता है आपको कि अगर ये रन जो है वो 380-385 होते तो आसानी से ऑस्ट्रेलियाई टीम जीत जाती, बस 4 या 5 रन थोड़े से कम हो जाते। अच्छा, क्योंकि कम हो जाते। मैं कह रही हूँ अब कि ऑस्ट्रेलिया को अगर रोक लेती यहाँ पर 380 या फिर 385 पे तो डेफिनेटली ये मैच उनके हाथ में। हाँ, लेकिन फिर भी सोचे कि 4 गेंद रहते, उन्होंने ऑल आउट भी किया ऑस्ट्रेलिया को, अगर 4 गेंद ऑस्ट्रेलिया और खेल लेता तो 400 रन भी पक्के थे अंकिता। डेफिनेटली, क्योंकि जिस तूफान में आज बल्लेबाजी देखने को मिली ऑस्ट्रेलियाई टीम की, और मैं कहूंगी कि इक्वल यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम ने भी वैसा ही प्रदर्शन देखने को मिला। 5 रन से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भले जीती हो, लेकिन वो लास्ट के डेथ ओवर्स की जब हम बात करते हैं अखिल, वो इतना क्रूशियल होता है टीम के लिए रन चुराना वहां से। और सामने से अगर गेंदबाज भी है वो चौके छक्के पड़ते हैं, हमने देखा है कि कई बार मैच पलटते हैं इसी वजह से, और डेथ ओवर्स में हमने कई बार देखा है कि मैच पलटे। लेकिन चलिए, यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने ये 5 रन से मुकाबला जीता और हर एक प्लेयर ने अपने आप को प्रूफ किया। यही होती है भूख सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए, और अभी तक तो इंडिया ने मैंने कहा चेज ही किया है, अभी बैटिंग तो आई नहीं है, लेकिन कल चाहते हो आप इंग्लैंड के खिलाफ पहले बैटिंग आ जाए। डेफिनेटली मैं चाहती हूं कि भले वहां पर गेंदबाजी टॉस अगर विकेट से कैसा भी हो, लेकिन बॉलिंग पहले बैटिंग इंडिया की आनी चाहिए, ये ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड की टीम तो सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो ही गई है। तो यहां पर आप एक चांस ले सकते हैं कि सामने आपकी इंग्लैंड की टीम है, और डेफिनेटली बल्लेबाजों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आप चेज करते हैं ना एक अलग माइंडसेट होता है, लेकिन जब आप पहले बैटिंग करते हैं एक अलग माइंडसेट ये होता है कि आपको एक टारगेट लगाना है, सामने वाली टीम को एक टारगेट देना है। तो मैं भी चाहता हूँ कि कल पहले इंडिया बल्लेबाजी करे, लेकिन आज के मुकाबले में धर्मशाला की खूबसूरत वादियों में मैच हुआ था, कई सारे कलरफुल मोमेंट देखने को मिले। तो आइए अब नजर डालते हैं ओकिनावा कलरफुल मोमेंट्स पर जो आज के मुकाबले में हमको देखने को मिले हैं। चंद सेकंड में आपके स्क्रीन पर होंगे। बिल्कुल, और जैसे ओकिनावा की स्कूटी हर एक कलर में आती है, और मेरा तो स्टार्टिंग से ही ब्लू कलर बहुत ज्यादा फेवरेट रहा है, और मेरा तो येलो, मेरा येलो रहा है आज, मतलब मैं आज येलो के साइड भी जाऊंगा। मतलब सारी स्कूटियां बहुत अच्छी है उसकी स्कूटी जो आती है बहुत अच्छी होती है, कॉस्ट कलर में इफेक्टिव भी होती है। और देखिए यहाँ पर जो मूवमेंट जो वहां पर देखने को मिले, लोग यहाँ पर जो वादियां, धर्मशाला अपने आप में खूबसूरती के लिए जाना जाता है, और फैंस डेविड वार्नर की वो पुष्पा वाले स्टाइल की फोटोज काफी ज्यादा हमने देखा है कि वो सेलिब्रेशन उनका अलग होता है डेविड वार्नर का, चाहे वो शतक लगाए अपना, हाफ सेंचुरी लगाए, एक अलग वहां पर उनका जोश देखने को मिलता है। और लोग भी कहते हैं कि उनको आधार कार्ड दे देना चाहिए इंडिया का। बिल्कुल आधार कार्ड दे देना चाहिए, मैंने भी ये बात कही थी एक बार लाइव में कि अब तो इनको आधार कार्ड दे दो यार, पुष्पा सेलिब्रेशन ये बंदा करता है, साउथ की जितनी भी हमारी हिट मूवीज हैं सबके ऊपर रील बनाते हैं और डांस कितना अच्छा करते हैं, इंडियन वाइब देते हैं जब भी ये मैदान पर होते हैं ना, तो वो इंडियन स्टाइल में सेलिब्रेशन। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये इंडियन ही है भाई मेरे लिए तो। खैर, अगर पॉइंट टेबल की बात की जाए तो पॉइंट टेबल में बदलाव कुछ नहीं हुआ है, न्यूजीलैंड अभी भी तीसरे पर है, पहले भी तीसरे पर था, कंगारू अभी भी चौथे पर है, पहले भी चौथे पर थे, फर्क सिर्फ इतना है कि ऑस्ट्रेलिया के खाते में अब 2 अंक और जुड़ गए हैं, ऑस्ट्रेलिया के 8 पॉइंट हो गए हैं, और टीम लगातार 4 मुकाबले जीत चुकी है, पहली जो 2 हार थी उनको भूल जाएगी, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की तरह खेल रहा है। लेकिन अंकिता, न्यूजीलैंड की लगातार दूसरी हार है। देखिए, न्यूजीलैंड की लगातार दूसरी हार है, और अगर यहीं से सारे मुकाबले अगर हारते हो तो फिर सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो जाएगी। मुकाबले भी कड़े होने वाले हैं, साउथ अफ्रीका से इनका अगला मुकाबला है, बिल्कुल साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, फिर श्रीलंका। बिल्कुल वही टीम, भले वो नीदरलैंड के खिलाफ हारी थी मुकाबला, लेकिन उसके बाद जो कमबैक किया, कल का मैच देख लीजिए, कल का मैच देख लीजिए पाकिस्तान के खिलाफ, वो जबड़े से जो जीत छीनी है उन्होंने, तो वो दमखम दिखाती है ऐसी टीम। और यहाँ पर दूसरी हार, जैसे अखिल ने कहा कि यहाँ पर दूसरी हार है न्यूजीलैंड की, और ये हार चुभती है जब आप 5 रन से मुकाबला हारते हो, और सामने ये लगता है कि यार ये स्कोर तो अगर एक छक्का लगा देता तो ये शायद मुकाबला हमारे नाम में होता, लेकिन तारीफ करनी होगी न्यूजीलैंड की टीम की भी और ऑस्ट्रेलियाई टीम की भी। न्यूजीलैंड ने बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला, अगर वो थोड़ा और पहले ऑल आउट होते, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद फाइट मिलेगी, लेकिन इतने क्लोज ये मुकाबला नहीं जाएगा, और उसका फर्क भी आप देख लीजिए, न्यूजीलैंड के रन रेट पर बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि काफी क्लोज मुकाबला गया, आखिरी ओवर आखिरी गेंद तक ये मुकाबला गया, न्यूजीलैंड ने बहुत जबरदस्त फाइट की है, अगर जीतते तो इतिहास रच जाता, उनका भी ये हाईएस्ट चेज होता और वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का भी ये सबसे बड़ा चेज देखने को मिलता। डेफिनेटली, और अखिल जैसे प्रिंगल अपनों का ख्याल रखता है, हर पल ख्याल रखता है, उस तरीके से एक ऐसे खिलाड़ी ने अपनी टीम का ख्याल रखा है जो कि लगता है कि सदियों तक याद किया जाएगा, क्या लगता है आप?